हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आज मैं बनाऊंगी मूंग दाल विद लौकी, जिसको हम बोलते हैं लाउदी मूंग दाल। मैंने कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया और उसमें मैंने मिलाया 1 कप मूंग दाल। मूंग दाल को हम मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ध्यान रखें, हम दाल को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये दाल जो है अच्छे से गलता नहीं है। तो हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये हल्का सा ब्राउनिश कलर का टर्न हो जाए। और जब ये ब्राउन कलर का टर्न हो जाए, हम गैस को ऑफ करके इसको पानी से अच्छे से धो के अलग से रख देंगे। मैंने लौकी को ऐसे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। अब मैंने प्रेशर कुकर लिया और उसमें मैंने मिलाया 2 कप पानी। फिर मैंने जो धो के रखा हुआ था मूंग दाल, उसको मैंने इसमें मिला दिया। मैंने लौकी को भी मिला दिया, नमक मिलाया मैंने स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर लिया मैंने 1/2 टीस्पून, और मैं प्रेशर कुकर को बंद करके इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 सीटी आने तक पकाऊंगी। ये दाल है जो है पूरे तरीके से गलेगा नहीं, इस तरीके का आएगा। अब मैंने कढ़ाई में को गरम करके 1 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है। ये दाल जो है सरसों के तेल से ज़्यादा टेस्टी बनता है। और मैंने उसमें मिलाया 1 रेड चिली। एक तेज़पत्ता मैंने लिया, साबुत जीरा मैंने लिया 1/2 टीस्पून, जीरा को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और फिर इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। अदरक के पेस्ट को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक का जो एक कच्चा सा स्मेल है वो निकल जाए। फिर उसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। एक हरी मिर्च भी मैंने ऐड किया, स्लिट किया हुआ। और इस मसाले को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद जो दाल मैंने उबाल के रखा हुआ था उसको मैंने इसमें मिला दिया। फ्लेम को आप हाई करके इसको थोड़ा सा बॉयल होने दें और फिर इसमें मैं ऐड किया 1 टीस्पून चीनी। दाल ऑलमोस्ट रेडी है हमारा, बस इसको हम 1-2 मिनट तक बॉयल करके थोड़ा सा इसको हम घना कर लेंगे। आप इस दाल को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनता है और ये जो है चावल के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।